अब आमिर खान को लेकर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर इन दोनों बायकॉट करने की बात कही जा रही है, जिसके चलते आमिर खान की रातों की नींद भी उड़ी है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर कई सारे लोग बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सामने आ रही खबरों की माने तो फिल्म ने पहले ही एडवांस बुकिंग से करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लिया। अब जैसा मर्जी रहे, लेकिन 11 अगस्त को फिल्म की कमाई कितनी रहती है ये तो पता चल ही पाएगा। लेकिन यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि आमिर खान की इस फिल्म का इसलिए बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने फिल्म पीके के जरिए हिंदू देवी देवताओं का जबरदस्त तरीके से मजाक बनाया। इसके बाद फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने नसीहत दी कि आप शिवलिंग पर दूध ना चढ़ाएं, बल्कि आप किसी गरीब को वो दूध दे दें। ठीक इन्हीं सभी बयानों के चलते आमिर खान की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और हो सकता है इसके चलते आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बुरा असर हो जाए। लेकिन यहां हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि अब आमिर खान अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए संकोच में हैं। अब एक तरफ जहां आमिर खान ने करीब 5 सालों के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने की तैयारियां की है और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा करीब 180 करोड़ रुपए में बनी है। फिलहाल आमिर खान ने इस पर पानी की तरह पैसा बहाया है और उनका ये कहीं ना कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में आमिर खान को लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि आमिर खान अब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को नहीं बनाएंगे। यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। ये बाकी स्टार्स की तरह साल में 2 से 3 फिल्में लेकर हाजिर नहीं होते, बल्कि 2 से 3 साल बाद कोई एक फिल्म लेकर आते हैं और उनकी फिल्मों में परफेक्शन भी देखने को मिलता है। आमिर खान बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जो भले ही 3-4 साल बाद कोई भी फिल्म अपने लेकर हाजिर हो, लेकिन सभी फिल्मों का कलेक्शन भी काफी शानदार रहता है। ऐसे में बताया जा रहा था कि आमिर खान एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होने वाला है करीब 1000 करोड़ रुपए। लेकिन जिस हिसाब से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से आमिर खान ने अब मन बनाया है कि अब वो इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। आमिर खान को लेकर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1000 करोड़ के बजट में बनने वाली महाभारत सीरीज को लेकर एक लंबे समय से आमिर खान काफी ज्यादा चर्चाओं में थे और आमिर खान ने ठान ली थी कि मैं इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाऊंगा। लेकिन जिस हिसाब से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट करने की मांग कही जा रही है, उस हिसाब से आमिर खान को भी अब डर लगने लग गया है। फिलहाल आमिर खान के इस बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि अभी भी उसको करने के लिए वो तैयार नहीं है। ये बात आमिर खान ने हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत पर फिल्म बनाने को लेकर कही है। आमिर खान ने इस फिल्म का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा है कि वो इस पर काम करने से अब डर रहे हैं। आमिर महाभारत पर आधारित एक बड़े बजट की फिल्म बनाने का काफी समय से विचार बना रहे थे, जिसको लेकर वो अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही इस फिल्म को लेकर कई खबरें भी सामने आई थी कि आमिर इसको बनाने जा रहे हैं। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो इतने नहीं, आगे ये भी बताया गया है कि फिल्म को बनाने के लिए आमिर खान साल 2018 में राकेश शर्मा की बायोपिक में काम करने से इनकार भी कर दिया था ताकि वो अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर सके। महाभारत पर बनने वाली इस फिल्म को लेकर ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि आमिर खान इस फिल्म के लिए करीब 1000 रुपए खर्च करने वाले हैं। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आमिर ने इस बात की जानकारी दी थी कि जब आप महाभारत पर एक फिल्म बना रहे हैं तो आप केवल एक फिल्म नहीं बना रहे, आप एक यज्ञ कर रहे हैं। ये केवल एक फिल्म नहीं और इसके लिए अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आमिर रहनी आगे ये भी कहते हैं कि मैं इसे बाहर लाने से अब डर रहा हूँ। महाभारत आपको कभी निराश नहीं करेगा, लेकिन आप महाभारत को निराश कर सकते हैं। बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी एक बार आमिर ने कहा था कि ये एक इच्छा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर मैं आज फैसला करता हूँ कि मैं इसे बना रहा हूँ तो मुझे इसे 20 साल देने होंगे, इसलिए मुझे डर लगता है। अगर मैं हाँ कह दूँ तो इसे बनाने का फैसला कर लूँ तो 5 साल सिर्फ रिसर्च में और फिर उस पर अमल करने में लग जाएंगे। ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि लाल सिंह चड्ढा को लेकर जिस हिसाब से बहिष्कार करने की मांग कही जा रही है, उस हिसाब से आमिर खान को भी अब डर लगने लग गया है, क्योंकि महाभारत बहुत ही सेंसिटिव कंटेंट है और इसको बनाने में अगर उन्होंने कोई भी गलती कर दी तो इसका उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक लंबे समय से बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है और बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार अब कई हिंदू संगठनों के निशाने पर भी आ गए हैं क्योंकि उनकी फिल्मों का अब बहिष्कार किया जा रहा है। बिल दोस्तों, जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन आमिर खान अब इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत तो विचार जरूर करेंगे, क्योंकि 1000 करोड़ में बनने वाला यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसको बनाने में आमिर खान को काफी ज्यादा समय भी लगेगा। फिलहाल दोस्तों, आमिर खान की फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है लाल सिंह चड्ढा और जिस हिसाब से बायकॉट करने की मांग कही जा रही है, उस हिसाब से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है।